देखते रहिए UVN 08, जो देखा सो दिखाया। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। देखते रहिए UVN 08 उज्जैन संभाग ब्यूरो कांतिलाल दड़िंग की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मूल निवासी संगठन ईश्वरलाल सोदल को मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया एवं आलोट तहसील जिला रतलाम अनुविभागीय अधिकारी SDM को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गोवर्धन लाल परमार, लक्ष्मण बघेला, सत्यनारायण विक्रम नोटिया, राजेश चौहान, संजय बॉस, ओम प्रकाश परिहार, जितेंद्र परिहार, मोहनलाल परिहार, विनोद सोलंकी, समस्त युवा साथी बहुजन संगठन ने मिलकर आज ज्ञापन SDM को प्रस्तुत किया। श्यामलाल मालवी पत्रकार को कृषि दवाई खेत नक्शा नकली दवाई को वितरित करते हुए किसानों की आवाज़ उठाने पर पत्रकार को धमकी दी गई। देखते रहिए UVN 08, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कौन कौन लेने आए थे आपको? थाने से दो जन आए थे सर, मेरे को उठा के निकाल थाना ले गए। क्या हुआ उसके बाद में? वहाँ उठा के ले गए, वहाँ जाके मेरे कपड़े खुलवाए, नंगा करके मेरे को कंप्यूटर कक्ष में ले गए, जहाँ 5-7 पुलिस वाले मिलकर मेरे को वहाँ ले जाके मेरे को बुरी तरीके से बाल पकड़ के दीवारों पर दरवाजे पे भरता, हमको लातों पैरों से जूते सीधे मेरे गले को, मेरे निजी जगह पे पीछे आगे साइड को उन्होंने मारी और मेरे को माँ बहन तक गले दी। मन सर हुआ क्या? बोले कि साला चमार जाति का होके तू हमारे खिलाफ़ ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी सारी बातें करेगा, इतना महान बन गया है तू, काल में इतना पढ़ा लिखा हो गया तू, है ये तो हमारे खिलाफ इतना। आपको इस चीज़ का संज्ञान नहीं है कि अपन सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के भ्रामक ये ग्रुप में डालते हैं तो इससे अपन को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ की जानकारी नहीं दी आपको? ऐसा सर पता होता तो मेरे को खुद मैं खुद ही डालता, मुझे पता थोड़ी था कि ये मैंने पोस्ट क्या डाली थी, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई। आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या आपत्तिजनक पोस्ट थी आपकी? सर पोस्ट ये थी कि उसमें एक पे लिखा था, बोले ब्राह्मण अपने जीवित पिता को मृत पिता को जीवित नहीं कर सकता है, तो ये मूर्ति में प्राण डालने की प्रतिष्ठा फैलाकर बोले लोगों को लूटता है। दूसरी थी ये सर, बोले कि पहले जो गोपियाँ नहाती थी तो उन प्रेक्षकों का उनके कपड़े उठाकर वृक्ष पर चढ़ जाती थी, आज जो महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, बोले महिलाओं को पुरुष के समान बैठने का अधिकार दिया है।